शिवलिनी विश्वविद्यालय में आज कन्वोकेशन का आयोजन किया गया। कन्वोकेशन में प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल, सीपीएस संजय अवस्थी, रामकुमार चौधरी, विधायक विनोद सुल्तानपुरी विशेष रूप से उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि शिवलिनी विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि शिवलिनी विश्वविद्यालय देश की टॉप की 73 यूनिवर्सिटियों में से एक है, जो प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। देखिए, शिवलिनी यूनिवर्सिटी का एक अपना स्थान है और जो NIRF की रैंकिंग है, जो कि सरकार द्वारा करवाई जाती है, तो पिछले दिनों जब मेरी चर्चा हुई थी तो उसमें 73 रैंक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को मिलाकर, सभी यूनिवर्सिटियों को मिलाकर 73वां स्थान है, तो अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है। और मैं शिवलिनी यूनिवर्सिटी के फाउंडर्स मेंबर्स को, शिवलिनी यूनिवर्सिटी के अध्यापक वर्ग को, शिवलिनी यूनिवर्सिटी के सभी कर्मचारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि शिवलिनी यूनिवर्सिटी ने जहां हिमाचल प्रदेश में प्राइवेट यूनिवर्सिटी में तो अपना स्थान बनाया ही है, वहां हिंदुस्तान की जितनी भी सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उसमें 73वां स्थान इन्होंने बनाकर रखा है और इनकी रैंकिंग में आए दिन सुधार हो रहा है। थीसिस लिखे जा रहे हैं, PhDs काफ़ी डिग्रीज हो रही है, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। वहीं IIT मंडी द्वारा आज 60 PhD छात्रों सहित कुल 565 छात्रों द्वारा स्नातक शिक्षा प्राप्त करने पर 11वां दीक्षांत समारोह मनाया गया। इस मौके पर परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव और परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। IIT मंडी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त कमलजीत सिंह ढिल्लो द्वारा दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की गई। मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है अपनी डिग्री लेकर। काफ़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद हम लोग इस मुकाम पे पहुँचे हैं। 2 साल घर रहने के बाद, 2 साल कॉलेज में रहने के बाद, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स के बाद, तो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। IIT का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था, मेरा जर्नी बहुत अच्छी थी, टीचर सपोर्टिव हैं, दोस्त बहुत अच्छे बने, मेमोरीज बहुत अच्छी बनी, तो ऑल ओवर तो मैं शायद जता भी नहीं सकता मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। मेरा नाम श्रेया है, श्रेया शर्मा। मैंने MA डेवलपमेंट स्टडीज़ में ग्रेजुएट किया है 2023 IIT 20। 2021-23 की स्टूडेंट हूँ मैं जी। पहले कोविड पैंडमिक के टाइम बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि ऑनलाइन सारा काम हो गया था, लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे सब सही होने लगा। पैंडमिक के टाइम में भी इंस्टीट्यूट ने बहुत ट्राई किया, अच्छे से उनकी जो भी फैसिलिटीज़ थी वो प्रोवाइड करी, और फैकल्टीज़ ने भी हमारा बहुत सपोर्ट किया, फैसिलिटीज़ भी हमें बहुत अच्छे से मिली, और ये हमारा पूरा एक्सपीरियंस था। बाकी पहाड़ों के बीच में हमें पढ़ने का मौका मिला, तो उससे जो मेंटल रिफ्रेशमेंट था वो भी बहुत अच्छे से था, और बाकी नेटवर्किंग करने के लिए भी बहुत जगह मिली। अभी मैं राजीविका में एज अ डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स कोऑर्डिनेटर काम कर रही हूँ, तो इसमें भी जो हम पढ़ते हैं वो हम प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाते हैं दुनिया में, तो उसके लिए मैं IIT मंडी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। वॉज द 11th कन्वोकेशन, इंग्लिश में सवाल पूछा था पहली बार। ओके, आज IIT मंडी के जो इंजीनियरिंग बैच 2023 है उनका पासिंग आउट के लिए 11th कन्वोकेशन था, और आज हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर मोहंती, जो कि सेक्रेटरी हैं एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट के, और हमारे डायरेक्टर साहब प्रोफेसर लक्ष्मीधर बेहरा, इनकी अगुवाई में ये इवेंट संपन्न हुआ है। और बहुत से बच्चे, करीब 600 बच्चों ने जिन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की थी, उनमें से जो आ सके करीब 350 के आसपास, वो बच्चों ने खुद आ करके अपनी डिग्री हासिल की, और उनके जो प्राउड पेरेंट्स हैं और बच्चों को आगे उनके अच्छे भविष्य के लिए, खुशहाल भविष्य के लिए और भारत की समृद्धि के लिए काम करने के लिए मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू, जय हिंद। अच्छा लगा, और ये 11th कन्वोकेशन है एंड IIT ऑलवेज हम बेस्ट स्टूडेंट को लेते हैं, दे आर हमारा कंट्री का फ्यूचर है, एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट। उनका ऑफिस को बोला कि मैं आ नहीं पाऊँगा, उनके पास मैसेज, वो लोग शेड्यूल कर रहे थे, शायद मैसेज मिला नहीं होगा, तो दूसरा शेड्यूल होगा। 11वीं दीक्षांत समारोह समाप्त हुआ और इस अवसर पर 565 स्टूडेंट को भिन्न भिन्न
डिग्री दिया गया और आज हमारी दीक्षांत समारोह में चीफ गेस्ट के साथ चार गेस्ट ऑफ ऑनर थे और हम यही चाहते हैं कि हमारी जो स्टूडेंट ग्रेजुएट हुए हैं आगे जाके उनकी जीवन भविष्य उनकी भविष्य जो उज्ज्वलमय हो और देश के लिए कार्य करें। धन्यवाद। पंजाब केसरी टीवी के लिए सोलन से कीर्ति कौशल के साथ मंडी से सीमा शर्मा की रिपोर्ट।